जयनगर प्रखंड अंतर्गत तिलोकरी राजकीय उच्च विद्यालय में चार दीवारी मेन गेट तथा डंडाडी पावर हाउस से लेकर हरजन टोला तक पीसीसी रोड का शिलान्यास किया गया। इस दौरान विधायक अमित कुमार यादव ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय में घेराबंदी अति आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि विद्यालय के बच्चों की सुविधा को देखते हुए यातायात में कठिनाइयां होती थी, जिसको लेकर पावर हाउस डंडाडी से लेकर हरजन टोला तक रोड की स्थिति इतनी खराब थी कि विद्यालय के बच्चों को पैदल चलना भी दुर्लभ हो गया था। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार से योजनाओं की स्वीकृति दिलाई और आज इसका शिलान्यास हुआ। आपको बता दें कि विधायक अमित कुमार यादव का ग्रामीणों ने ढोल बाजे के साथ पुष्प गुच्छ देकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया। विधायक अमित कुमार यादव देवी मंडप से ग्रामीणों के साथ पैदल चलते हुए हरजन टोला होते हुए मेन रोड तक पहुंचे और शिलान्यास किया। हम लोग बहुत अथक प्रयास से, चाहे बरकट्ठा हो, इचाक हो, चलकुसा हो, जयनगर हो, चंदवारा हो, सभी जगह पे हम लोगों ने अथक प्रयास से, चाहे DMFT फंड हो, चाहे PMSY का सड़क हो, चाहे जल जीवन मिशन के तहत जल पहुंचाने का बात हो, चाहे इंटाइट से अनावत पैसे से हम लोग का विकास कार्य करने हो, तो कहीं से ना कहीं से हम लोग कोशिश करके, सभी जगह मेहनत करके, संघर्ष करके हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जो भी समस्या है उस समस्या को हम लोग पूरा करने का हर कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि होने के कारण मूलभूत सुविधाएं जो क्षेत्र की है उसको करना पूरा करना हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। ये बात अलग है, कुछ लोगों को हमारे विकास नहीं पच पा रहे हैं, दिख रहे हैं लेकिन पच नहीं पा रहे हैं। तो सर, 23 तारीख को आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन किया, आपके विरोधी आपका विरोध कर रहे, इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, निश्चित रूप से विरोधी हैं तो विरोध करेंगे ही करेंगे, और उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार भी है, लेकिन विरोध करने का भी एक प्लेटफॉर्म होता है, एक उसका सिस्टम होता है। ये लोग तो विरोध करने का इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है, इनके पास कोई तर्क नहीं है, ये तो जमहूरे लोग हैं। जमहूरे लोग कहते हैं कि हम डुगडुगी बजा दिए बिजली बिल माफ हो जाएगा, जमहूरे लोग बोलते हैं कि हम डुगडुगी बजा दिए पॉलिटेक्निक कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। ये सब जमहूरे लोग हैं, ये सब अपना जैसे आता है बाजार में, आता है सपेरा लोग, आता है जमहूरा लोग, आता है डुगडुगी बजाता है, भीड़ जमा करता है, वहाँ पे बोलता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये नाग है, ये नागी नहीं है, पलना है, निकला, तो यही तमाशा लगाने के लोग काम कर रहा है। हमारा कहना है कि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ। आज अगर राज्य में हमारे क्षेत्र से राज्य का कोई विकास का कार्य है तो उसको उद्घाटन शिलान्यास करने का इंटाइटल कौन है? जो सांसद है, जो विधायक है, जो मुख्यमंत्री, उसी को है। मैं कहता हूँ अगर शिलान्यास जिस समय हुआ 2019 में, तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उस समय के तत्कालीन आज के पूर्व विधायक उस समय विधायक थे, तो उस समय इंटाइटल थे वो लोग उद्घाटन शिलान्यास करने का, तो उस समय रघुवर जी और जानकी जी उसका शिलान्यास की। अगर आज इसका उद्घाटन करने के बारे आया है तो निश्चित रूप से प्रोटोकॉल के तहत मैं आज इसका उद्घाटन कर रहा हूँ। आज उद्घाटन मैं कर रहा हूँ तो इन लोगों को रात को नींद नहीं आ रहा, अब नींद इन लोगों को नहीं आ रहा तो मुझे इसमें क्या टेंशन है? हमारा कहना है कि इन लोग इस प्रकार से दिग्भ्रमित लोगों को करता है कि अभी व्हाट्सएप और फेसबुक पर आप देखे होंगे कि इन लोग चलाता है कि खुल गया पोल खुल गया, और बोलिए अमित यादव को इस्तीफा देना चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। हम बोले कि क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया, हम लोग क्या ऐसे गलती कर दी? तो ये अपने घर में सारे फोटो को एडिट करता है, सारे चीज़ों को एडिट करता है, ये स्वयं से अपना लेटर घर में छपवाया, ऐसे 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 अमित यादव को 30 तारीख को हम पेपर में देखें, ऐसे 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 बोल उद्घाटन कर दिया। आप बताइए कि अगर एक चपरासी भी कोई लेटर लिखता है, एक वार्ड सदस्य भी कोई लेटर लिखता है, तो उसमें वो दिनांक पत्रांक देता कि नहीं देता? देता कि नहीं देता? आप बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अब पता नहीं कहाँ से फर्जी डिग्री लेके प्रोफेसर साहब आ गए हमारे, उनको ये चिट्ठी ओरिजिनल दिख रहा है जिसमें दिनांक और पत्रांक नहीं, वो क्या चिट्ठी ओरिजिनल हो सकता है कभी? क्या उसका आप ओरिजिनल मान सकते हैं क्या? तो मैंने पहले भी कहा कि ये फर्जी चाचा है, झूठा चाचा है, इसको लोगों ने PG का नाम दिया है, पलटू झूठा चाचा, इसका नाम है PG चाचा। PG चाचा मतलब पलटू और झूठा चाचा। अगर झूठ का परसेंटेज 100 है तो ये 500 झूठ बोलता है, कभी बोलता है कि 100 हाइवा है अमित यादव जी का, कभी बोलता है 18 करोड़ के घर पे रहता है, कभी बोलता है 18 कंपनी में है ये, तो इसका झूठ बोलने का भी मापदंड अभी ये होता है, पैरामीटर होता है।
तो वो उसको पार करके वो आगे बढ़ चुके हैं। हमारा कहना है इन्हीं लोग के कारण, इन्हीं लोग जो जमुरा नेता लोग हैं, इन्हीं लोग के कारण आज नेता शब्द अपमानित हो रहा है। अरे झूठ बोलिए उतना ही जितना हो सके। कभी बोलता मैं 25 को प्लस टू स्कूल कर दिया, अब 25 को का हाई स्कूल का जरा लिस्ट हमको दिखाइए, 14 को पीडब्ल्यूडी रोड कर दिया जरा उसका भी लिस्ट हमको दिखाइए, बोलता है मैं 2000 से नहीं 95 से चुनाव लड़ रहा हूँ जरा उसका भी बताइए कि 95 में कौन छाप सब चुनाव लड़ते ये भी बताइए हमको, बोलता है 1982 से मैं चूड़ा देने का कार्यक्रम कर रहा हूँ वो भी मुझे बताइए, ये बताता है कि पारा टीचर को नो पे नो लीव नहीं मिलता है, इनको इतना भी अक्कल नहीं है बताइए। विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, मैंने पहले भी कहा भगवान के लिए पूर्व विधायक हमेशा रहे, इनको जब इतना भी नहीं पता कि नो वर्क नो पे में कभी भी कोई जा सकता है, मेडिकल लीव में जा सकता है, मैं उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहता। लेकिन मतलब झूठ का एक पुलिंदा, झूठ का एक महासागर, और इस प्रकार से कोई भी विषयों को झूठा झूठ बोलना, तो जनता सब देख रही है। जनता आज के दिन में सोशल मीडिया का युग है, पेपर का, अखबार का, टेलीविजन का युग है, मोबाइल का युग है, ऐसे में आप झूठ बोल करके बरगला के निकल जाइएगा तो ऐसा ये संभव होने वाला नहीं है। इनको इस बात की मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 15 दिन से पूरे क्षेत्र में मीटिंग करना, ताम झाम करना, लाउड स्पीकर बजाना, ऐसे करना वैसे करना, फलना करना, और वहाँ गोहाल में आदमी कितना गया, 100 आदमी गया, पूरा विधानसभा स्तरीय सम्मेलन कराया, ये इचाक से लोग आए, बरकट्ठा से लोग आए, चलगुस्सा से लोग आए, जयनगर से आए, चंदवारे से आए, सभी को जमा करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जनता इसके पास कार्यक्रम में जाने का काम नहीं किया, सबने इसके कार्यक्रम को नकारा। पर क्या कार्रवाई रहेगा आगे, देखिए क्या कार्रवाई करेंगे इन लोग पे, जनता थूक रही इन लोग पे, जनता थूक कर रही है। आज फर्जी लेटर बना करके ये व्हाट्सएप फेसबुक पे चला रहा है। कुछ दिन पहले देखेंगे हम लोगों ने रेलवे में जब रेलवे पर प्रदर्शन कर रहे थे, अरे प्रदर्शन कर रहे हैं जनता के लिए, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं रेलवे में धरना दे रहे थे, पब्लिक के लिए धरना दे रहे हैं, इनको तो चाहिए था कि मुझे भी जाके पब्लिक का समर्थन करना चाहिए, हमारे अपने लोगों के साथ आके समर्थन करना चाहिए जन समस्याओं को लेकर। ये क्या करते हैं, जयनगर थाना में जा करके FIR करते हैं अपना लेटर पर से, जानकी प्रसाद यादव पूर्व विधायक बरकट्ठा, मैं फलना आदमी अमित यादव पर FIR करता हूँ कि ये तिरंगा झंडा को अपमानित कर दिया। इतना अक्ल हमें है और भगवान के कृपा से इतना पढ़े लिखे भी हमको है, हम है कि मुझे पता है कि किसका अपमान करना चाहिए, किसका सम्मान करना चाहिए। जिसको बोलने का लहजा नहीं है, जिसको बात करने का लहजा नहीं है, जिसको मंच पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, उन सबको क्या बात करते हैं, उन पर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं आप। 24 में जनता फिर से कार्रवाई करेगी, इतने लंबे समय से हारने का अनुभव है, फिर से एक बार अनुभव उनका सफल होगा, मैं यही शुभकामना भगवान से करता हूँ। देखा जाए तो हर एक जगह आपका विरोध कर रहे हैं, और इस सब में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए मैंने कहा विरोधी है तो विरोध करेगा भाई, अच्छा काम उसको बुरा लगता है। आज डंडा डी का अगर हम रोड बनाने आए तो बहुत अपने लोगों को वो बोल दिया कि डंडा डी में कुछ नहीं और लो सर, ककरो मत कहो चाल हुआ, अब पूरा गांव गांव में लोगों ने हल्ला किया कि कुछ नहीं और लो, सब सिलाना सुलाना झूठो उठो और लो सर, कुछ ना लो खाली अमित ज्यादा भाषण देवे लार लो, कुछ ना और खाली नारियल फल लार लो। ये जनता देखेगी यहाँ पे कि यहाँ पे काम होगा कि नहीं होगा, PCC होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा PCC तो जनता मुझे लात मारेगी कि नहीं मारेगी, मारेगी कि नहीं मारेगी से बताइए। तो इतने कार्य हो रहे हैं उनको नहीं दिख रहा है, ये अलग विषय है। अभी यहाँ बोले कि बोले ऑपरेशन होता है आँख का मोतियाबिंद का, तो बगल में ही होता है, आयुष्मान कार्ड से भी मोदी जी करा रहे हैं, फ्री करा रहे हैं, तो अच्छी बात है। अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट हम कहीं यूट्यूब में देख रहे थे, व्हाट्सएप फेसबुक में देख रहे थे कि हमारी पत्नी जिला परिषद थी, ठीक है हमारी चाची है, सम्मानित है, मेरी माँ के समान है, तो उनको बॉडीगार्ड मिला था, सरकार बॉडीगार्ड दिया था, मेरा बेटा को अपराधी लोग बहुत तंग कर रहा था इसलिए सरकार, तो क्या सिर्फ 19 तक ही दिया था, जब तक आप विधायक थे तभी तक दिया था, 19 के बाद क्या हो गया, 19 के बाद भी वो जिला परिषद उपाध्यक्ष थी, 19 के बाद भी उनका बेटा अभी है, तो फिर अभी अभी उनके गार्ड क्यों नहीं है। आज हमारी छोटी बहन यहाँ पे निर्मला देवी जिला परिषद की उपाध्यक्ष है, दो बार से है कि नहीं उपाध्यक्ष, लगातार दो बार से उपाध्यक्ष है, क्यों नहीं उसको बॉडीगार्ड आप दिला दिए, आप उसमें सरकार में तो आप विधायक थे उस समय, आप कौन बोर्ड बोलते हैं, सो बोर्ड के आप चेयरमैन थे, तो क्यों नहीं दिला दिए आप उनको एक बॉडीगार्ड भाई। तो ये सिर्फ प्रोटोकॉल आपके लिए क्या, राज्य में और किसी के लिए प्रोटोकॉल नहीं है, और ये सिर्फ 19 तक ही था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी तक था, अभी सरकार आई तो अभी इसे खत्म हो गया, हारने के बाद भी उनके पत्नी जिला परिषद उपाध्यक्ष थे, फिर क्यों हटा दिया गया।